व्यास नदी में डूबे हैदराबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को इंडस्ट्रियल टूर के नाम पर हिमाचल भेजा गया था, लेकिन तेलंगाना के गृह मंत्री के मुताबिक ये पिकनिक थी और इस मुद्दे पर कॉलेज प्रशासन और हिमाचल प्रदेश के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर राहत के काम में जुटी एनडीआरएफ के मुताबिक शवों को निकालने का काम अभी एक हफ्ते तक जारी रह सकता है। मंडी के सिविल अस्पताल में मंगलवार सुबह अपने बेटे के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए परेशान हो रहे रॉबिन बोस ने सपने में भी इस दिन के बारे में नहीं सोचा था। बीटेक दूसरे साल में पढ़ने वाला उनका बेटा देवाशीष भी उन अभागे 24 छात्रों में से एक था जो लारजी डैम से अचानक पानी छोड़ने की वजह से व्यास नदी में बह गए। उसका शव थोड़ी ही दूर पत्थरों के बीच फंसा मिला। रॉबिन बोस को यकीन नहीं आ रहा कि कॉलेज ने जिसे इंडस्ट्रियल टूर बताया था वो पिकनिक में कैसे तब्दील हो गया। अब उनका इरादा इंजीनियरिंग कॉलेज और बांध संचालन की जिम्मेदारी संभालने वाले हिमाचल बिजली विभाग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का है। कोर्ट है, कोर्ट ऑफ लॉ है, हमें कानून के ऊपर पूरा विश्वास है, अदालत के ऊपर विश्वास है। हम श्योर अप्रोच करेंगे, वी विल अप्रोच द ऑनरेबल हाई कोर्ट टोटली एज ए क्लब 24 मेंबर्स। दिस डिजास्टर हैज हैपेंड एंड वी विल आस्क ए रिड्रेसल। व्यास नदी से 20 शव अभी तक निकाले नहीं जा सके हैं। इनमें 19 छात्र और एक टूर गाइड का शव है। दुर्घटना के शिकार हुए छात्रों के नाउम्मीद परिजन पंडोह डैम पर बने कंट्रोल रूम और आसपास के इलाकों में घूम रहे हैं। एनडीआरएफ के मुताबिक शवों को निकालने के काम में अभी एक हफ्ता और लग सकता है। जिंदा बचाने की मुझे नहीं लगती, एक बार अगर आदमी बह गया तो और उसको फिर जिंदा निकालना तो चमत्कार जरूर होते हैं, I can't deny it, but chances बहुत कम। उधर नवगठित तेलंगाना राज्य की सरकार ने भी इस दुर्घटना को बड़ी गंभीरता से लिया है। हिमाचल प्रदेश पहुंचे राज्य के गृह मंत्री ने कहा है कि वो कॉलेज प्रशासन समेत सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमें जाने के बाद हमारा सीएम को रिपोर्ट देंगे, केसीआर को, और वो प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिखेगा ये सब बारे में, और जरूरत बदल लीगली क्रिमिनल केसेस का भी सोचेंगे हम। व्यास नदी में सर्च ऑपरेशन अपने चरम पर है, लेकिन इतने जतन के बाद भी लापता छात्रों का जिंदा मिल पाना अब मुश्किल होता जा रहा है। बेशक अब सरकार अपने सिस्टम को सुधारने के लिए जितने भी दावे करे, लेकिन जो नुकसान इन 25 परिवारों को पहुंचा है उसकी भरपाई शायद कभी ना हो पाए। चमन पलाने के साथ अमित चौधरी, मंडी, IBN 7।